औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे अल्लाह की मदद से और आप सब की दुआओं से मैंने एक अपना नया चैनल शुरू किया है जो एजुकेशन बेस्ड चैनल है, जिसका नाम है अमरीन्स ट्यूटोरियल। इसमें मैं मैथ सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड 5th से लेकर 10th तक सारे चैप्टर्स अपलोड करने वाली हूँ। अभी शुरुआत हो चुकी है 5th स्टैंडर्ड से, आगे आगे और स्टैंडर्ड्स के भी चैप्टर्स इंक्लूड करने वाली हूँ। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, और शेयर कीजिए उन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से जिनको इसकी ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही झटपट सा चिकन सैंडविच, ग्रिल सैंडविच, जिसके लिए मैंने यहाँ ब्रेड ली है और मैंने यहाँ पर अपनी सैंडविच की सॉस रेडी की है, जिसमें मैंने मिक्स किया है मस्टर्ड सॉस, बारबेक्यू सॉस और मायोनीज सॉस, और मैंने यहाँ ली है कैप्सिकम और कैबेज, मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब मैं आपको दो तरीके से ये है मेरे पास चिकन, जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर ली है। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको दो तरीके से चिकन को असेंबल करना सिखाऊंगी, सैंडविच को, मतलब सिखाना क्या है बताऊंगी मैं कि मैं कैसे इसको असेंबल। एक तो तरीका ये है कि मैंने पहले अपनी जो रेडी की है सॉस वो लगा ली है, फिर मैंने उस पर कैबेज, चिकन और कैप्सिकम, ये मैंने सॉस में ही है ना फ्रेंड्स, नमक, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी थी, तो हमें सैंडविच पे ऊपर से एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। यही सॉस जिसमें बारबेक्यू, मायोनीज और मस्टर्ड है, उसी में नमक और थोड़ी काली मिर्च भी है। बस ये आप अपने तरीके से जितना आपको सॉस चाहिए, जितना वेजिटेबल्स चाहिए वो रख लीजिए, और हम इसे ग्रिल करेंगे। मैं आज इसे ग्रिल करने वाली हूँ। अगर आपके पास ग्रिलर नहीं है तो आप इसे थोड़ा सा बटर लगा के तवे पे भी सेक सकते हैं। अब सेकेंड मेथड मैं क्या करती हूँ ना फ्रेंड्स, मैं सारी जो मेरी सॉस बनी हुई है उसमें सारे वेजिटेबल्स और चिकन ऐड कर लेती हूँ, और उसका एक मैं थिक बैटर बना लेती हूँ, और डायरेक्ट वो बैटर जो है वो मैं ब्रेड पे लगाती हूँ। तो ये मुझे बड़ा आसान लगता है तरीका वो असेंबलिंग करने का। देखिए, ये मेरा बैटर बन गया सब रेडी। अगर आपको इसमें थोड़ा ब्लैक पेपर कम लगे या नमक कम लगे, आप मिक्स कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने ब्रेड पे यही बैटर डाल दिया, और प्लीज़ फ्रेंड्स कैप्सिकम डालना ना भूले, जैसे मैं भूल गई थी फिर मैंने डाला, लेकिन मैंने सारी सैंडविचेस में अपने फिर कैप्सिकम डाल दी, और फिर मैंने ये रेडी कर ली है मेरी सैंडविचेस। बहुत ही सिंपल और बहुत टेस्टी सैंडविच बनती है ये। अब मेरा यहाँ पर ग्रिलर गरम हो रहा है, मैं इसे थोड़ा सा मैंने बटर से इसे ये ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें अपनी सैंडविचेस डाल रही हूँ और मैं ग्रिलर बंद करके मेरी सैंडविचेस टोस्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बारबेक्यू और मस्टर्ड नहीं है तो आप मायोनीज में चिली सॉस भी डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सैंडविच ग्रिल हो गई है, और कितनी अच्छी ग्रिल हुई है, इतनी क्रिस्पी। आप इसे गरम गरम टमेटो सॉस के साथ खाएं, और आप इसे सर्व कीजिए मायोनीज के डीप के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, और इतना झटपट सा स्नैक है ना, और सबको इतना पसंद आता है, ना स्पाइसी है ना फीका, इट्स वेरी टेस्टी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट कीजिए और खाकर एंजॉय कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।